दोस्तों मैं उतेश और आप सभी का आज के इस नए सफर पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और कल सुबह मॉर्निंग पे अपन निकल जाएंगे तीरथगढ़ वाटरफॉल के लिए। और अभी हम हैं गीदम पे और यह है गीदम का बस स्टैंड। आज नाइट हम गीदम धर्मशाला पे रुकने वाले हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला पे और हमने रूम वगैरह भी बुक कर दिया है। और यह हमारा रूम और पटेल भैया काफ़ी थके हुए थे तो सोए हुए हैं और यहाँ में गद्दा वगैरह है और अटैच्ड बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें मिली हुई है। और अभी सुबह के मॉर्निंग हो चुके हैं, अभी हम सारा सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाले हैं। और अभी हम गीदम से निकलेंगे केसलोरी के लिए। 70 से 80 किलोमीटर का आसपास का सफ़र है। इस बीच में हमें कोई भी गांव है कोई भी बस्ती है नहीं मिला है। और अभी हम पहुंच चुके हैं केसलोरू और यहां पे अभी हम चाय नाश्ता पानी करके सीधे हम निकलेंगे तीरथगढ़ के लिए। हमें रास्ते में एक और शॉर्टकट रास्ता मिला था बट हमें नाश्ता पानी करके तीरथगढ़ के लिए निकलना था, इसलिए हम सीधा केसलोरू आ गए। और अभी हम निकल चुके हैं केसलोरू से सीधा तीरथगढ़ वाटरफॉल के लिए। और इस साइड रास्ते में आपको काफ़ी सारे केसकाल घाटी की तरफ इधर भी आपको काफ़ी सारे मोड़ान हैं आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हम यहां से राइट की ओर जाएंगे और यहां से जस्ट थोड़ी दूरी पे 4-5 किलोमीटर के आसपास पे है तीरथगढ़ वाटरफॉल। और यह है तीरथगढ़ की घाटी और मोड़ान भरी सड़कें जहां पे आपको केसकाल घाटी की तरह काफ़ी मोड़ान भरी सड़कें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको गाड़ी है सावधानी से चलाना है। और रोड भी काफ़ी सक्रिय है और रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है। और रोड है काफ़ी सक्रिय आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गाड़ी है सावधानी से चलाना है। और यहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे है तीरथगढ़ वाटरफॉल और यहाँ पे आपको राइट साइड आपको एक नाला है दिखाई देगा। और इस नाले का जो पानी है नीचे की ओर तीरथगढ़ वाटरफॉल की ओर जाता है। और अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं तीरथगढ़ और यहाँ से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मेन पॉइंट तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा पॉइंट पे। अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं तीरथगढ़ और तीरथगढ़ वाटरफॉल का एरिया है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से पार्किंग है चालू हो जाती है। तो सामने आपको काफ़ी बड़ा स्पेस है दिखेगा तो यहाँ पे भी हम अपना गाड़ी है पार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर आसपास आपको काफ़ी सारे दुकान वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ तीरथगढ़ वाटरफॉल की ओर। और यहाँ पे आपको कुछ कुछ नोटिस बोर्ड है सामने आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ कुछ प्राइस लिस्ट वगैरह है टंगी हुई है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे मेन गेट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे पिकनिक मनाना सख्त मना है। अगर आप पिकनिक मनाने के प्लान से यहाँ पे आते हैं तो अपना प्लान है माइंड है चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे पिकनिक मनाना सख्त मना है। और यहाँ पे आपको एक गेट है दिखाई देगा जहाँ से अभी हम नीचे की ओर जाएंगे जहाँ से आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल का सीन आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको सीढ़ियों के सहारे हैं नीचे उतरना है तो काफ़ी सावधानी से नीचे उतरिएगा। और सामने आपको खूबसूरत सा वाटरफॉल है दिखाई देगा जिसको तीरथगढ़ वाटरफॉल है कहा जाता है। ऊपर काफ़ी हाइट से नीचे की ओर पानी है बहता है और जो सीन होता है काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक सीन है आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं सीढ़ियाँ आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सावधानी से नीचे उतरना है, अगर आपका पैर फिसल जाता है तो आपको काफ़ी चोट है काफ़ी नुकसान आपको हो सकती है। तो आपको यहाँ पे सावधानी से नीचे उतरना है। और अभी हम नीचे की ओर पहुँच चुके हैं और सामने आपको वाटरफॉल है, खूबसूरत सा वाटरफॉल है दिखाई देगा। तो सामने आप देख सकते हैं तो ये रहा तीरथगढ़ वाटरफॉल, काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक सीन है आपको देखने को मिलेगा। ऊपर काफ़ी आड़ से बहता हुआ झरना है, देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी आकर्षक सीन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की जो धारा है काफ़ी तेज़ है क्योंकि अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से गिरता हुआ पानी नीचे की ओर टकराने के बाद फिर से ऊपर की ओर हल्का हल्का उड़ रही है। और जब भी यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप सावधानी से चलिएगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा पानी है बहता रहता, तो यहाँ के जो रास्ते हैं काफ़ी फिसलन भरे हैं और जब आप गिरते हैं तो आपको काफ़ी चोट है नुकसान है हो सकते क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं काफ़ी चट्टान भरे हैं तो आपको काफ़ी नुकसान है हो सकते हैं। तो काफ़ी सावधानी से चलिएगा और यहाँ पे आप जब भी नहाते तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कुछ कुछ मंदिर है और ऊपर से आप जब नीचे की ओर उतरेंगे तो आपको कुछ कुछ और भी वाटरफॉल जैसे आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड भी लोग हैं नहाते हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर। और अभी हम नीचे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर जाने के लिए रास्ता है बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ियाँ बना हुआ है और काफ़ी ढलान भरी सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप सावधानी से चढ़िएगा और उतरिएगा क्योंकि अगर गिरते हैं तो आपको काफ़ी चोट है लग सकती है। और नीचे साइड आपको एक
छोटा सा वाटरफॉल नीचे साइड भी आपको देखने को मिलेगा और ऊपर से बहता हुआ पानी है नीचे की ओर आता है। यहाँ पे भी लोग हैं नहाते, जब ऊपर की ओर पानी है कमी हो जाती है और यहाँ पे जो पानी है गिरता हुआ उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा और आसपास का जो सीन है आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। और अभी हम नीचे से ऊपर की ओर फिर चलते हैं और ऊपर में आसपास पे कुछ कुछ मंदिर हैं उनकी ओर मैं आपको लेके चलूँगा और साथ ही साथ जो मंदिर हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे आपको एक मंदिर है दिखाई देगा जहाँ पे आपको कुछ कुछ मूर्ति वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम तीरथगढ़ वाटरफॉल के जस्ट ऊपर की ओर आ चुके हैं और ऊपर से सीन आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। नीचे काफ़ी खाई है और यहाँ जब भी आते हैं सावधानी से चलिएगा क्योंकि आसपास काफ़ी फिसलन भरी रास्ते हैं और आसपास का जो सीन है कुछ इस प्रकार से ऊपर से दिखेगा। तो ऊपर से पानी बहते हुए नीचे की ओर गिरता है और यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो बंदर से सावधानी बरतेगा क्योंकि आपका जो सामान वगैरह उसको लेके कभी भी भाग सकते हैं। हमारे यहाँ जो भैया थे उनका सामान लेके भाग गए थे जिनको मैं आपको अगली वीडियो पे दिखाऊंगा। और आसपास पे जब बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सामान वगैरह मिल जाएंगे जो आपको अन्य जगहों की तुलना में थोड़ा सा सस्ता है सामान यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे सामान है खरीदा क्योंकि बस्तर आने जाने का जो टाइम है बहुत ही कम बार है यहाँ पे मिलता है तो हमने काफ़ी सारे सामान है ले लिया है यादगार के तौर पे। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।